पिछले क्लास में हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, ई की मात्रा का अभ्यास। ठीक है, ई की मात्रा का अभ्यास तो हो गया। ई की मात्रा के बाद मैंने कहा था कि आपको दूसरा वाला शब्द सिखाऊंगी करके। अभी जो है हमने रिवीजन किया था, हमने रिवीजन किया है 12 कड़ी, अक्षरमाला, ये वो सब पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे शरीर के अंग का रिवीजन करेंगे। ठीक है, शरीर का अंग का रिवीजन है, यहाँ पे देखिए मैं जैसे आपको समझाती हूँ। यहाँ पर है फर्स्ट वन जो है, यहाँ है बाल, हेयर। ठीक है, इसको आपको एक बार फिर से रिवाइज्ड करना है। बाल जो है ये है, बाल है, ये बाल है, और ये सिर है, ये जो है सिर है, और ये जो है माथा। ठीक है, ये जो है माथा कहते हैं, और ये जो है आईब्रोज के लिए क्या बोलते हो, भुए। और ये जो है आंखें, ये जो है आंखें, नाक। ठीक है, ये जो है नाक, ये जो है गाल, ये जो है इसे क्या कहते हैं, चिक्स को गाल कहते हैं। ये है हेयर, दिस इज अ हेयर, इन हिंदी वी कॉल बाल। ये है हेड, ये है सर, ये है माथा, फोरहेड, ये आईब्रो, ये है आईज, आईज इसे कहते हैं आंखें। ठीक है, इसके बाद कान, ears, ठीक है, इसके बाद लिप्स, ओट, दांत, टीथ, जीभ, टंग, ओके। इसके बाद जो है ये जो है गला, ये जो है गला, ये जो है शोल्डर, शोल्डर को क्या कहते हैं, कंधा, शोल्डर को क्या कहते हैं, कंधा। ठीक है, इसके बाद जो है चेस्ट, ये जो है चेस्ट, ओके, ये जो है हैंड, ये जो है हैंड, और ये जो है मैं हिला, हैंड मतलब हाथ, हिंदी में इसको हाथ कहते हैं। ठीक है, और ये जो है उंगलियां, ये जो है उंगलियां, ये है रिस्ट को क्या कहते हैं, कलाई, रिस्ट को क्या कहते हैं, कलाई, एक मिनट, रिस्ट को कलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो है नेल्स, नेल्स को क्या कहते हैं, नाखून, नेल्स को क्या कहते हैं, नाखून, ये जो है कलाई, ये जो है हाथ। इसके बाद क्या है, ये कहते हैं हमको इसको, इसको क्या कहते हैं, आन, आन को क्या बोलते हैं आप, बाह, ये है बाह, और ये जो है कोनी, इसको क्या कहते हैं, नी, सॉरी एल्बो। उसके बाद जो है पैर, पैर को लेग, पैर है, और उसके बाद हिप्स, बैक साइड जो है पीछे जो हिस्सा है उसे हिप्स कहते हैं हिंदी में, कमर, ठीक है, बैकबोन, कमर, और स्टमक, स्टमक जो है वो पीठ, पेट, पीठ अलग, पेट अलग, पीठ यानी कि पीछे जो रहता है ना ये पीठ, और स्टमक जो है आपके चेस्ट के नीचे आता है उसे स्टमक यानी कि पेट। ठीक है, उसके बाद थाइस को क्या कहते हैं हम लोग, जांघ, जांघ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पैर को, ये जो पैर है, इमेजिन ये जो पैर है, पैर के फीट को क्या कहते हैं, फीट, पूरा ये जो है इसको फुट कहते हैं, जो पूरा है उसको फुट, ये जो पैर के जो यहाँ के जो लास्ट का जो राउंड वाला हिस्सा है ना उसको फीट कहते हैं। ठीक है, और उसके जो है उनको भी उंगलियाँ रहती ही हैं। और क्या रह गया बाकी, कोनी, हाथ, ओठ, सभी हो गया। और कुछ है तो एक बार आप अपने मम्मी पापा को हिंदी में बोल के दिखाइए, जैसे कि ये है बाल, ये माथा, ये आंखें, ये नाक, ये ओठ, ये दांत, ये जीभ, ये कान, ये गला, ये गर्दन, ये कंधा, ये बाह, आन,
ये रिस्ट कलाई, और ये है हाथ, और ये उंगलियां, नाखून, और उसके बाद जो है ये जो है चेस्ट, उसके बाद चेस्ट के नीचे का हिस्सा जो है वो पेट, और थाइस, थाइस को क्या बोलते हैं, जांघ, ठीक है। उसके बाद है कमर, उसके बाद थाइस है जांघ, उसके बाद जो है दो पैर है, पैर के बाद है फीट, पैर फीट यानी कि पाद, पाद कह सकते हैं हम, पाव या पाव कह सकते हैं या पाद कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ रह गया बाकी तो ये अभ्यास आप अपने मम्मी पापा को करके दिखाइए। आप इसे शरीर के अंग, दिस इज अ एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स क्या है, जैसे मैंने अभी दिखाया ना करके, उस तरीके से आपके आप ये मम्मी पापा को करके दिखाएं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो शरीर के अंग है उसको आपको मम्मी पापा को करके दिखाना है। आज के लिए इतना ही रिवीजन हुआ, और अगले क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, बड़ी ई की मात्रा आज कल नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।